नमस्कार, डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पवित्र नदी नर्मदा का, विश्व की एकमात्र नदी जिसको प्रलय में भी नाश न होने का वर प्राप्त है। नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और विश्व की एकमात्र पाप नाशनी नदी जिसकी चौदिश परिक्रमा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन मां नर्मदा के पावन जल से स्नान करने से हर व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हम आज नर्मदा जयंती की पौराणिक कथा और नर्मदा का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार घोर तपस्या में बैठे थे। तपस्यारत शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएँ प्रस्तुत की कि खुद शिव और पार्वती चकित रह गए। शिव और पार्वती ने प्रकट हुए देवी का नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात सुख देने वाली सुखदायिनी नर्मदा। नर्मदा का एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण उस समय भगवान विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर कोशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करके प्रभु शिव से इस कन्या ने ऐसे वरदान प्राप्त किए जो अन्य किसी नदी के पास नहीं। भगवान शिव से मांगे हुए वर में इस दिव्य कन्या ने मांगा, प्रलय काल में भी मेरा नाश न हो। उसने मांग की, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो और मेरे अर्थात नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। दिव्य कन्या के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसकी सभी मांगों को मान लिया और तथास्तु कहकर उसे इस धरा में प्रसिद्ध होने का वरदान दे दिया। नर्मदा जयंती के संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 वर्षों तक घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का वर मांगा था। हिरण्यतेजा के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर्मदा को आदेश दिया धरा पर जाने की। भगवान शिव के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराजकर उद्यांचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बह गई। उसी समय महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की, मेट, हिमावन और कैलाश। इन पर्वतों की लंबाई 32,000 योजन है, जबकि ये पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर 500 योजन है। यह थी नर्मदा के प्रकट होने की कुछ कथाएँ। पौराणिक कथाएं अनेक हैं और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता भी अनेक हैं, लेकिन यह सत्य है कि विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी चारों दिशाओं में परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने वालों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये थी नर्मदा जयंती की पौराणिक कथा। आप भी निर्णय करें और स्नान करें नर्मदा के पावन पवित्र जल में।